है मोटोरोला का नया मोटो G4। इस फ़ोन की लॉन्च हुई थी मई 2016 में। इस फ़ोन में आपको मिलती है 5.5 इंच की टच स्क्रीन, जिसका रिजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल, यानी कि इसमें आपको फुल HD स्क्रीन मिलती है। फ़िलहाल मोटो G4 का प्राइस है 10,500। इस फ़ोन में आपको मिलता है 1.5 GHz का ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 617 प्रोसेसर, और इसकी इंटरनल मेमोरी है 16 GB, जिसको आप बढ़ाकर 128 GB तक कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगाकर। इस फ़ोन में आपको मिलती है 2 GB की रैम, और इसका जो मेन कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, और इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। इस फ़ोन में आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी, और इसमें है मिलता है आपको एंड्रॉयड 6.0.1, जिसको आप अपग्रेड करके एंड्रॉयड 7 तक कर सकते हैं। कैमरे की हम बात करें तो मोटोरोला ने कुछ कदम पीछे हटाए हैं, या यूँ कहें लिनोवो ने। जैसे कि मोटो G3 में आपको स्लो मोशन मिलता था 120 फ्रेम पर सेकंड और रिजोल्यूशन 720 पिक्सल्स, लेकिन नए मोटो G4 में आपको 120 फ्रेम पर सेकंड सिर्फ 520 पिक्सल्स में अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 1080 पिक्सल जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकंड तक लिमिट कर दिया है, जबकि इससे पिछले फ़ोन यानी मोटो G3 में आपको 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती थी 60 फ्रेम पर सेकंड में भी। अगर आपको इस फ़ोन के बारे में कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द और सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी कैसी है और इस फ़ोन में स्लो मोशन वीडियो कैसी बनती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में।